हेलो फ्रेंड्स, बरनाला फूड में आपका स्वागत है। आज हमने सिंधी कोकी बनाई है, जो कि है तो असल में ये मीठी रोटी ही जैसे बन जाती है जैसे बिस्कुट होते हैं। ये 3-4 दिन ख़राब भी नहीं होती, सफ़र में भी ले जाई जा सकती है और टेस्टी तो इतनी होती है कि बस पूछो मत। और गेहूं के आटे से ही बनती है, बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। सिंधी कोकी बनाने के लिए हमने पहले चाशनी बनाएंगे। चीनी को घोल लेंगे पानी में, एक कटोरी चीनी की ली है और आधी कटोरी हमने पानी की डाल ली थी। उसमें एक कटोरी हमने आटे की ली है और इसमें थोड़ा 2 चम्मच हमने घी डाला है और थोड़ा थोड़ा चाशनी डाल के हम इसका सख्त सा डोल गाएंगे, बिल्कुल सख्त सा। नरम तो बिल्कुल नहीं लगाना। पहले हमारा कैमरा जो थोड़ा मिस हो गया था, जो घी वगैरह है वो सारा पहले इसमें मिक्स करना है, फिर इसको गूंदना है। देखिए पूरा सख्त डोल गाना है इसका। हमारा जो आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसके हमने 4 पार्ट कर लिए हैं। और इसकी 4 जो रोटी है बनाएंगे हम, ऐसे कट कर लेंगे 4 पार्ट्स में और इसको बेल लेंगे। ये पूरी तरह से गोल भी नहीं बिलेगी, साइड से टूटेगी और हल्के हाथों से ही इसे उठाकर तवे पर हम डालेंगे ताकि ये टूट ना जाए। अगर ना उठानी हो तो चकले को ही घुमा लो। थोड़े से कुछ चाकू या फोक से ऐसे इसमें थोड़े थोड़े टक से लगा दो ताकि जो बीच में से रड़ जाए। धीमी आंच पर ही इसे पकाएंगे, ये पकने में टाइम लगाएगी। बिल्कुल हौली हौली आराम से इसको पलटा है हमने ताकि ये टूटे ना। देखिए दोनों तरफ से हमारी जो रोटी है बिल्कुल बनकर रेडी हो गई है। इसी तरह से हम सारी बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए हमने सारी बनाकर रेडी कर ली है। वीडियो एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।